नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और इस वक्त मैं हूं राधा। लखनऊ में एनआईए की टीम आज यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी करी। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 112 जगहों पर एनआईए की टीम छापेमारी करी। इस वक्त हम पार्क व्यू अपार्टमेंट में हैं, जहां पर विकास सिंह देवगढ़ का जो पीछे मकान है वहां पर एनआईए की टीम सुबह छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। और बताया जा रहा है कि जो मोहाली में ब्लास्ट हुआ था 9 मई 2022 को, उस ब्लास्ट में भी जो दीपक रंगा मुख्य आरोपी था उसको पनाह देने का काम विकास सिंह देवगढ़ ने किया था। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी इनके संबंध रहे हैं। और ऐसे में पूर्वांचल समेत अयोध्या समेत लखनऊ में कई ठिकानों पर आज एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। हालांकि यहां पर जो मकान है वो विकास सिंह का है, लेकिन यहां पर किराएदार रहते थे। और जो इनपुट मिले थे, जो दीपक रंगा को जब गिरफ्तार किया गया था नेपाल बॉर्डर से, तो वहां पर विकास सिंह देवगढ़ का नाम सामने आया था। और उसके बाद से इनके पीछे एनआईए की टीम आज लगी और कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही जो सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं विकास सिंह का जो कनेक्शन है वो सामने आया था। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ भी विकास सिंह देवगढ़ के संबंध रहे हैं। खब्बू तिवारी जो पहले विधायक थे भारतीय जनता पार्टी से, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। और जब समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह के ऊपर हमला हुआ था तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई के सूत्रों का नाम सामने आया था और उनको बुलाने का काम भी विकास सिंह देवगढ़ ने किया था। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एनआईए की टीम लगातार तमाम ड्रग माफिया और टेरर को लेकर छापेमारी कर रही है, वही राजधानी लखनऊ में आज पार्क व्यू अपार्टमेंट में सुबह 5 बजे से ही करीब 3 घंटे तक यहाँ पर छानबीन की पूछताछ की और उसके बाद यहां से निकली है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी भी 112 ठिकानों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।